ये मैं देख रहा हूँ इंडिया में पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है और बहुत सही हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक और सेफ्टी के लिए थोड़ा सा ना आप कभी फंसे नहीं, और यहीं से जो आपका पीछे जो बूट है वो यहाँ से एक्सेस हो जाएगा। तो दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर, मैं हूँ आपका दोस्त हर्षित, और फाइनली आज हमारे साथ हीरो की तरफ से एक मैक्सी स्कूटर आ चुका है जो आया है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के अंदर। और हीरो इसमें क्या खास दे रही है उसकी बात करते हैं। इस गाड़ी को कॉम्पीट करना है यामाहा एरोक्स 155 से, जिस गाड़ी की कीमत 1.5 लाख रुपए है। ये गाड़ी हीरो की तरफ से आ रही, तो इसकी सबसे बड़ी यूएसपी रहेगी वो है इसकी प्राइसिंग। एक हीरो है और वैल्यू फॉर मनी ना हो भाई वो कैसे हो सकता है। उसके अलावा इस गाड़ी में सबसे स्पेशल चीज 156 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन, मतलब ये हीरो का ना दूसरा लिक्विड कूल्ड इंजन होगा जो करिश्मा के बाद आपको मिलने वाला है, वो भी एक स्कूटर के अंदर। और उसके अलावा गाड़ी का जो डिजाइन है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 14 इंचेस के व्हील ऑफर किए गए। आगे का जो सेक्शन है ना, मतलब 120 mm चौड़ा टायर आपको यहाँ पर ऑफर किया गया। MRF जैपर सीरीज है, मतलब जो ना इंडिया में आपको नॉर्मली बाइक्स के अंदर फंक्शन फीचर मिलते थे वो आपको एक स्कूटर के अंदर मिल रहे हैं, तभी भाई ये एक मैक्सी स्कूटर कहलाएगा। और देखिए साथ ही अगर आप बात करेंगे इसके फ्रंट के डिजाइन की, तो यहाँ पर एक एडवेंचर मोटरसाइकिल का करेक्टर इसको दिया गया है। होने को स्कूटर है लेकिन इसको एडवेंचर थीम के हिसाब से बनाया गया, मैक्सी स्कूटर है लेकिन एडवेंचर ये करने वाला है। तो जो फ्रंट का एक ग्रिल पैटर्न है वही जिस तरीके से एडवेंचर बाइक्स कुछ डुकाटी का जो डिज़ाइन कुछ इसी तरीके से आपको दिखाई देता है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन ये हीरो का अपना डिज़ाइन है। उसके साथ हीरो का आपको लोगो मिलेगा, जिस तरीके से हिमालयन और जो एक्सपल्स में आप देखते हैं थोड़ी सी बीक बाहर को निकली रहती है ऑफ रोड में, वहाँ पर वही चीज़ हल्का सा इसी को मिमिक किया गया है। इसका जो मेन मडगार्ड है वो मिलेगा, जूम की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी। आप देखेंगे इसका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, तो यहाँ पर आपको इसके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे जिनका ट्रैवल मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम है लेकिन ठीक ठाक लग रहा है। उसके साथ इसकी टी आप देखने वाले हैं यहाँ पर इसका, बाकी जो सारा हॉर्न है वो सब प्लेस किया गया है। मेन चीज़ है कि भाई गाड़ी का फ्रंट से डिज़ाइन आप देखो कितना ज़्यादा प्यारा सा लग रहा है। अब उसके अलावा जो पावर परफॉर्मेंस है, 13.4 BHP ये गाड़ी बनाएगी, तो उस सेंस में देखा जाए तो 13 BHP इस गाड़ी के हिसाब से बिल्कुल सही बैठती है। उसके साथ ही आओ उधर साइड आओ, इस साइड आएंगे तो गाड़ी का जो अपना करेक्टर है ना वो अब आपको पता चलेगा। मतलब एक हाले की तरह आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। जिस तरीके से अगर आप होंडा की तरफ देखें तो उनकी फोर्जा सीरीज़ आती है, फोर्जा 350, फोर्जा 160, फोर्जा के अलग अलग जो इटरेशन आते हैं। साथ ही अगर आप कुछ ऐसी बाइक्स में देखें जैसे कि यामाहा अपनी NMAX में उतारता है, तो वैसा ही कुछ ना लेट बैक वाला डिज़ाइन करेक्टर दिया गया, जिस तरीके से ऐसे आप बैठे हैं। तो यहाँ पर आप पैरों को लंबी क्रूजिंग करनी है तो यहाँ पर ये आपको अच्छा खासा सपोर्ट देता है। बाकी उसके अलावा जो सीटें ऑफर की गई है ये अच्छी खासी पैडिंग के साथ मिलती है, तो कुशनिंग वाली चीज़ भी ठीक है। आप बात करेंगे इसके की फॉब की, तो भाई की फॉब कैसा मिल रहा है, प्रीमियम फीचर होना ज़रूरी है तो वो सब कुछ यहाँ पर मुझे दिख पा रहे हैं। हेडलैम्प के फंक्शन कुछ यहाँ दिए गए, आपका व्हीकल कहाँ पर है वो आपको यहाँ पर इंडिकेशन मिल जाएगा। उसके साथ ही आप यहाँ पर इसके जो बूट है उसको यहीं से रिमोटली अनलॉक भी कर सकते हैं। अब आपको ले चलता हूँ कुछ और कंसोल, तो यहाँ पर आप इसका जो कंसोल है वो देखने वाला है, इस प्रकार इसका सारा कंसोल मिलने वाला है। और साथ ही अगर आप इसकी मेन डिस्प्ले देखें तो इस प्रकार आप इसकी मेन डिस्प्ले देखने वाले हैं, जो आप इसका यहाँ पर देख रहे थे ये विंड स्क्रीन, जो कि थोड़ा बहुत यहाँ पर आपकी विंड प्रोटेक्शन करने वाली है। इस साथ ही यहाँ इसका स्विच गियर आप देखेंगे, यहाँ पर पास लाइट के लिए दिया गया है, ये इसका हाई बीम लो बीम के लिए, टर्न के लिए दिया गया, हॉर्न के लिए दिया गया। अच्छी क्वालिटी का आपको यहाँ पर पैडिंग में देख पा रहा हूँ, और ये कुछ स्टेनलेस स्टील के इनने यहाँ पर जो हैंडल बार के एंड है वो दिए गए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पीछे की ओर आपको दिया गया है एक ब्रेकिंग सिस्टम, देखते हैं कि ये भाई हाइड्रोलिक है या फिर नहीं है। और कुछ यहाँ पर आपको सेटिंग्स दी गई है जिससे आप इसको एडजस्ट कर पाओ, कुछ यहाँ पर इसका नॉर्मल सा कंसोल, साथ ही साथ यहाँ पर आपको ICS टेक्नोलॉजी मिलती है, तो आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली चीज़ें हैं, और यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच मिलेगा। बाकी उसके अलावा नीचे कंसोल अगर आप देखें तो यहाँ से आप इसके जो इस स्विच है, इस की फॉब है, इसकी मदद से कंट्रोल कर सकते हैं जो भी सारे कंट्रोल है। फ्यूल टैंक इसका यहाँ प्लेस किया जाता है, जो यहीं पर इसका कैरियर है इसी के नीचे आपको इसका फ्यूल टैंक भी मिलेगा। और जो इसका बूट है एक्सेस करके दिखाता हूँ कितना वहाँ पर स्पेस मिलता है। उसी के साथ यहाँ पर एक सीक्रेट लोकेशन भी है की लगाने की, जिससे आप इसको अनलॉक कर सकते हैं बूट जब आपकी इस की फॉब की जो बैटरी है वो ख़त्म हो जाती है। बाकी मेरी बैठने की जो पोजीशन है किस हिसाब से बैठा हुआ हूँ, कितना आराम मुझे हो रहा है, पैर नीचे पहुँच जा रहे हैं, होने को गाड़ी अभी सेंटर स्टैंड में, लेकिन फिर भी अच्छा है, आरामदायक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और सीट्स में भी कुछ हिसाब से कुछ नहीं है कि यहाँ पर आपकी बैक को भी अच्छा सपोर्ट मिलता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, थोड़ा सा जो बैक है उसको भी यहाँ पर ये सपोर्ट दे देता है। पीछे भी जो दूसरा बंदा है बड़ी आसानी से बैठेगा, और इस सेगमेंट में ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल स्कूटर होगा। जहाँ पर एरोक्स में सस्पेंशन थोड़े हार्ड मिलते हैं, सीटें थोड़ी छोटी मिलती है, इस गाड़ी में वो समस्या नहीं आएगी। साथ ही आप पीछे चाहे तो यहाँ पर ग्रैब रेल लगा सकते हैं, कुछ आप चाहे तो यहाँ पर पैनियर भी लगा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर कुछ इसके टेल लैंप का सेक्शन दिया गया, कुछ आप टर्न इंडिकेटर देखेंगे तो ये आपको मिल जाता है हैलोजन के साथ। साथ ही यहाँ पर सस्पेंशन फ्रंट में ये इसका नॉर्मल हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। उसके अलावा किसी एक बाइक की तरह आपको बड़ा सा आपको यहाँ पर एग्जॉस्ट पाइप मिलता है, जो कि थोड़ा सा ऐसे घूम के आओगे तो पता चलेगा
कि आपको जो साउंड और वो सारी चीज़ें है ना अच्छे खासे बेस के साथ दे सकता है। और उसके अलावा इसको इस तरीके से पोजिशन किया गया है कि गाड़ी को अगर आप कभी लद्दाख भी ले जाते हैं तो इतनी ज़्यादा हाइट में है, लगभग 2 फीट की हाइट में है, तो इंजन में जो पानी है खड़ी गाड़ी में नहीं जाने वाला, जिससे एक तरीके से ना आप इस गाड़ी को ज़्यादा डीप पानी में भी चला पाओगे। अब कहानी शुरू होती है भाई इसके रियर के पूरे जो यहाँ पर आर्किटेक्चर है ना उसको समझने की। आपको पीछे 140 सेक्शन का टायर दिया गया, 140 mm चौड़ा, 60 इसकी प्रोफाइल और साथ ही 14 इंच का टायर है, W इसकी स्पीड रेटिंग है, 160 की बैजिंग इनने काफ़ी जगह लगाई है, अलॉय आप देखेंगे। पीछे मैं देख रहा हूँ भाई ड्रम ब्रेक दिए गए, डिस्क ब्रेक नहीं है, डिस्क ब्रेक आ जाए तो और बेटर ऑप्शन। और यहाँ पर पीछे स्विंग आर्म इस तरीके से है कि दोनों साइड से सपोर्ट लेती है, MRF Zephyr सीरीज़ दी गई है। अब बात करूँगा इसका जो इंजन और क्या कुछ ऑफ़र किया गया वो आप देख भी पा रहे होंगे, लिक्विड कूल्ड इंजन यहाँ पर ऑफ़र किया गया है। और टॉर्क की और पावर की बात करें तो 14 BHP यहाँ पर मेंशन की गई है जो कि 8000 RPM तक मिलेगी, यानी कि अच्छा खासा रेव करने वाला इंजन। और 13.7 Nm का टॉर्क यहाँ पर आपको दिया जाएगा 6500 RPM पे। इस पूरी गाड़ी का वेट है 141 kg, तो पावर टू वेट रेशियो आप यहाँ पर लगा सकते हैं आइडिया। और जूम की ये ब्रांडिंग, ये सीट, ये सारा कंसोल देख के ये रहने वाला है। बाकी अब थोड़ा पीछे से चलो तो गाड़ी को एक नज़र में और देखो, ये सारा जो जो डिज़ाइन और ज्योमेट्री देख रहे हो ना यही यामाहा भी देती है, यही चीज़ देती है होंडा भी, तो यही सारा कटआउट साइड की ओर ये इसको हीट को एक तरीके से ना कन्वेक्ट करेगा तो इंजन की कूलिंग रहने वाली है। और मेरी हाइट के हिसाब से देखोगे तो इतनी भाई स्कूटर की हाइट अच्छा खासा बड़ा भारी भरकम स्कूटर दिखाई देता है। अब आपको दिखाते हैं इसकी अंडर सीट स्टोरेज, कितनी स्टोरेज रखी गई है सीट के नीचे और क्या ये नॉर्मल काम करने में आपकी मदद करने वाली है। बंदा कोई भी बैठे, किसी भी एज ग्रुप का बैठे, कोई समस्या नहीं होगी। आपको दिखाते हैं, देखिए अभी इसकी बैटरी यहाँ पर थोड़ी सी डिस्चार्ज चल रही है, तो आपको इसके जो एक फिज़िकल की आती है नॉर्मली किसी भी गाड़ी के साथ, उसके हिसाब से आपको हम दिखाते हैं कि इसका जो बूट है किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। ये मैं देख रहा हूँ इंडिया में पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है और बहुत सही हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक और सेफ्टी के लिए थोड़ा सा ना आप कभी फंसे नहीं, तो यहाँ पर एक सिस्टम दिया गया जिससे आप चाहे तो यहाँ से ये दिख गया होगा आपको क्लियरली, एक की यहाँ पर स्लॉट दिया गया और यहीं से जो आपका पीछे जो बूट है वो यहाँ से एक्सेस हो जाएगा। कोई भी वहाँ स्प्रिंग नहीं लगाई गई, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा 25-30 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिलेगा, जिसमें हाफ फेस हेलमेट तो आसानी से आएगा, फुल फेस हेलमेट एक बार चेक करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लग रहा है कि आ जाएगा। इसमें उल्टा करके इसको ऐसे रखना पड़ेगा आगे की ओर, उसका बैक साइड कर लेंगे तो आ जाएगा। ये इसका आपको एक लगेज लैम्प भी मिल जाता है हीरो की ब्रांडिंग के साथ, एक कवरिंग मिलेगी जिसके नीचे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और सारी थ्रॉटल बॉडी रहने वाली है, और जो एयर फिल्टर सिस्टम है शायद इसी के नीचे प्लेस किया गया। बाकी यहाँ पर देखेंगे फोम की क्वालिटी, फोम इसमें सॉफ्ट रखा गया है तो बैठने में ना आरामदायक आप फील करेंगे। तो ये भाई इसका बूट स्पेस का सारा मामला आप देख लो, कितनी इसकी बूट स्पेस की सारी कहानी आती है। अब बात रहती है इसकी कीमतों की, अभी हाल फिलहाल में देखा जाए एरोक्स 155 है जिसकी कीमत 1.48 लाख रुपीज़ एक शोरूम आ रही है, और अगर आप इस गाड़ी की कीमत देखें तो उस गाड़ी के आसपास तो आनी चाहिए, क्योंकि इस गाड़ी का साइज़ परफॉर्मेंस एरोक्स से मुझे दिख रहा है कि थोड़ी आगे ही चल रही है, साइज़ के मामले में तो ये आगे है। और कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे सस्पेंशन है, सीटें हैं और जो आगे पैर रखने का सारा सामान है वो अच्छा दिया गया एरोक्स के मुकाबले, लेकिन फिर भी अगर हीरो एरोक्स के ही सेम प्राइस में इसको उतार दे तो ये गाड़ी ऑन रोड 1,80,000 या फिर 1,90,000 रुपये के आसपास जाएगी। तो 1.8 लाख रुपीज़ ऑन रोड कीमत हो सकती है इस गाड़ी की, और दिखने में एक एडवेंचर बाइक वाला लुक लिए हुए डुकाटी, पानीगाल और मल्टी स्टार्टर की तरह दिखने वाली एक हीरो की ऐसी मैक्सी स्कूटर आपके सामने मैंने पेश करी, जो कि आज आई है भाई भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के अंदर। तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर और बताइएगा कैसी लग रही गाड़ी। कोई भी बंदा इसमें बैठे ना मतलब सूट कर रही है उसके ऊपर, पैर आप वहाँ पे भी रख सकते हैं, पैर आप आगे की तरफ भी रख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। और साथ ही सबसे ज़्यादा मेन चीज़ भाई यहाँ पर आपको ABS भी मिल जाता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पर ऑफर किया गया है। तो यही सब चीज़ें होती है ना किसी भी चीज़ को, एक स्कूटर को एक परफेक्ट स्कूटर बनाने में, जहाँ पर आपकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए, गाड़ी में परफॉर्मेंस और ये चीज़ें मिले, और ये जो कंपनी विंडशील्ड लगा के दे रही है तो आपको कोई एक्सेसरी के पीछे ऐसा ना भागना पड़े, आज ही गाड़ी खरीदो और एक्सेसरी लगानी पड़ रही है 3-4 हज़ार रुपये की सिर्फ विंडशील्ड के नाम पे, जो कि आपको ट्रायम्फ और भाई रॉयल एनफील्ड के साथ नॉर्मली करना पड़ रहा है। तो ये दिक्कत इसके साथ नहीं है। दिखी कैसी ये गाड़ी ज़रूर बताना। देखो कोई भी बंदा बैठ रहा है ना बिल्कुल जम जा रहा है उसके ऊपर। बाकी देखो ये सब चीज़ें, ये कलाकारी तो भाई प्रीमियम करी गई है, और ये सारा ना मेटलिक दिया गया है, कोई इसमें कॉस्ट कट नहीं की गई है। मैं बैठ के देखता हूँ इसमें, पहले आगे बैठते फिर वहाँ से शिफ्ट बैक हो जाएंगे। शॉकर भी दब रहे भाई इसके आगे के। अब देखो मैं पीछे वाली सीट में अगर इसमें बैठ रहा हूँ तो पीछे बैक सपोर्ट आप लगा सकते हैं, एक्सेसरी में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इतना स्पेस आगे वाले बंदे के आएगा। मैं पीछे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली बैठा हूँ,
अब सारी जो चीज़ें हैं वो है इसके ड्राइविंग डायनेमिक्स के ऊपर, जो 14 BHP है वो रोड में चलने में कैसा फील होती है, जो उसका CVT सिस्टम है वो पहाड़ों में कितना ज़्यादा टॉर्क दे पाता है, जो लो एंड टॉर्क है वो कितना ज़्यादा बेहतर है। शहरों में चलाने के लिए नहीं चाहिए गाड़ी, हाई स्पीड क्रूजिंग भी ये कर पाए, 80 से लेके 100 किलोमीटर पर आवर की नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड ये इंडिया में अगर मेंटेन करने के लिए लायक रहा तो भाई अच्छा खासा बिक जाएगा। इसके अलावा ये छोटा सा स्पेस भाई ये भी तो है, ये भी एक छोटा सा स्पेस यहाँ पर इन्हें दिया हुआ है जो कि छोटा मोटा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक मैं देख रहा हूँ USB का ऑप्शन भी यहाँ पर डाला गया है हीरो इंडिया की तरफ से, इसको आ देगी USB पोर्ट। बाकी देखिए इसको यूज़ करना भी काफ़ी ईजी है, ऐसे कर दीजिए ऐसे लग जाएगा, ऐसे कर दीजिए निकल जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और यामाहा के मुकाबले तो अच्छी क्वालिटी है इसकी, उनके जो पैनल और उनकी क्वालिटी है इससे थोड़ी लोअर ग्रेड में रहती है, लेकिन अब देखना कि इंजन में जो यामाहा की जो एक्सपर्टीज़ है ना वहाँ पर क्या हीरो अपनी Xuma 60 के साथ भी कॉम्पीट कर पाएगी। तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, मैं तो पीछे ही बैठे रह गया, इस गाड़ी को असली मज़ा आएगा आगे बैठ के चलाने में। और ये कुछ रहा तो वीडियो को लाइक करना, और आज हमें भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के अंदर अभी जो हमें की फॉब दिखाई गई है ये दिखाई गई है, क्योंकि एज इट इज़ आपको बीटा के अंदर भी मिलती है। अब देखते हैं क्या कुछ आपको फाइनली प्रोडक्शन मॉडल में दिखे। इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च अक्टूबर के आसपास कर दिया जाएगा, कीमत है यहाँ पर 1.5 लाख रुपए शोरूम, और ऑन रोड आते आते ये गाड़ी 2 लाख को छू सकती है, उससे कम भी रहना चाहिए। और ये अपना भाई पूरा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो है, तो ये कुछ रहा। और एक ने ऐसा स्कूटर यहाँ पे दिखाया है जो कि 3-व्हीलर के साथ ही कपल हो रखा है, आप चाहे तो ऑन द गो उसको उससे डीअटैच कर लीजिए, आप चाहे तो उसी में लगे रह लीजिए। वीडियो को लाइक करना, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये जो सारी भीड़ आप देख रहे ना ये सब हीरो को देखने के लिए आएगी, हीरो ने क्या यहाँ पर खास लॉन्च करा है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते प्रेस और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और ये हीरो Xuma 60 लिक्विड कूल्ड के साथ आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या आप इस गाड़ी को लेना पसंद करेंगे अपनी नॉर्मल TVS Ntorq और भाई अपनी जो आने वाली Xuma 125 है उसके ऊपर। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।